अयोध्या में श्री राम लला और उनके मंदिर दर्शन के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार से सहयोग से दुर्ग से 7 फरवरी को दर्शनार्थियों का पहला जत्था रवाना होगा, जिसको लेकर विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक आयोजित की गई। अयोध्या में श्री राम लला और उनके मंदिर दर्शन के लिए भाजपा ने केंद्र सरकार के सहयोग से दर्शन योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से श्री राम लला के दर्शनार्थ जाने वाले राम भक्तों के पंजीयन व्यवस्था और उनके आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समिति के प्रदेश संयोजक धर्मलाल कौशिक ने दुर्ग संभाग के सभी जिला अध्यक्षों सहित 20 विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक लेकर चर्चा की है। साथ ही बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा पूरे भारत में अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हेतु आस्था ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो दर्शन योजना बनाई गई है उसमें भाजपा द्वारा विशेष रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत दर्शनार्थियों का पहला जत्था 7 फरवरी को सवेरे दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रवाना होगा, जिसे हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश शासन के अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी जानकारी दी है। दुर्ग संभाग के श्रद्धालुओं के लिए गौरव का विषय है और सौभाग्य का विषय है कि 7 फरवरी को जगत के पालनहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो भव्य मंदिर बने हैं अयोध्या में, उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिसमें सशुल्क है। प्रत्येक जाने वाले व्यक्ति को 1400 रुपये जमा करना है और दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा है और ट्रेन में कुल बोगी 20 है, तो एक विधानसभा में एक बोगी अर्थात 72 लोग जाएंगे। इसमें सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन लोग श्रद्धालु हैं, इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, जो श्रद्धालु हैं ऐसे समस्त बंधु बहनों को हम 7 तारीख को ले जाएंगे और दूसरा खेपा जो है 28 फरवरी को फिर से दुर्ग संभाग के सीनियर सिटीजन जो स्वस्थ हैं, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में ठंडी बहुत है तो कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है जा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई इस दर्शन योजना की वजह से पूरे भारतवासियों को अयोध्या जाकर श्री राम लला के दर्शन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।